कैसा लग रहा है? सब पढ़ लिया कि नहीं बताओ? सब याद है? कितना नंबर लाओगी? 80 में 80 लाओगी। गुड। चीकू जितना पढ़ती हैं उतना पेज फाड़ के अलग कर देती हैं। बोल रहे हैं 2-3 दिन सिर्फ बथुआ बनेगा, बथुए का साग, बथुए के पराठे, बथुए की दाल, बस बथुआ बथुआ बथुआ। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है दिवाली की छुट्टी का लास्ट डे गांव में, और उसके बाद हम निकल जाएंगे। अरे जल्दी जल्दी चीकू रिवीजन कर रही हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लें, पेपर है आज। ये क्या फाड़ के तुम तो अलग कर दी पेज सारा। हाँ पढ़ते पढ़ते फाड़ रही है। हाँ चीकू जितना पढ़ती हैं उतना पेज फाड़ के अलग कर देती हैं, उसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। अब चिपका के ले जाओगी? जितना पढ़ती हैं फाड़ देती हैं एकदम। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है अच्छी को? SST का। और पुन्नु बेबी तुम्हारा? फिजिक्स का। पुन्नु बेबी ये दोनों एकदम कल से रट रहे हैं, पढ़ पढ़ के आज जा रहे हैं एग्जाम देने। देखो चीकू कल के पेपर की बुक्स आज ले जा रही हैं। पेपर दे के इनको लग रहा है इतना टाइम मिल जाएगा कि जल्दी कल वाला भी पढ़ डालेंगी वहीं। ऑल द बेस्ट चीकू। कैसा लग रहा है? सब पढ़ लिया कि नहीं बताओ? सब याद है? कितना नंबर लाओगी? 80 में 80 लाओगी। गुड। अभी दिवाली के बाद मॉर्निंग में बहुत ठंडा सा मौसम होने लगा है, इसीलिए चीकू को जैकेट पहना दिया। और काजू से भी बोले हैं कि जैकेट पहन के जाओ क्योंकि ठंडी लग जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी इनके। ऑल द बेस्ट पुन्नू बेबी। चलो चीकू स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। कौन लेट कर रहा है? काजू क्या करने गया? अब शीशा देखने गया भाई, 4 बार शीशा देखेंगे फिर जाएंगे। पुन्नू बेबी वॉच लेने गया था। बाय काजू, बाय। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। फुल करके आना चीकू। 80 में 80। और तुम कितने में? 80 में 80। चलो दोनों 80 में 80 करके आना फुल। 11 से 12 बजे के लगभग हम लोग अब घर से निकल रहे हैं वापस। हाँ हाँ ठीक, बाय करो। हम लोग निकल गए, वो लोग पीछे ही खड़े हुए वहीं से बाय बाय कर रहे हैं। और गांव में रोड थोड़ी सी कंजेस्टेड होती है तो 2 गाड़ी आ जाती है तो निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, बट निकल जाती है। इतना तो हमारे गांव का रास्ता वैसे ठीक है, काफ़ी ठीक है। और खेतों में धान की फसल सबकी कट चुकी है, और देखिए आलू बोए जा चुके हैं, मतलब सर्दियों की जो सब्जियाँ हैं वो बोई जा चुकी हैं, तो सारा अभी खेत खाली खाली सा भी लग रहा है। और देखिए कुछ जानवर भी यहाँ पे। और गांव में हमारे ट्रैक्टर तो बहुत ही ज़्यादा हैं, आपको हर गली में ट्रैक्टर, हर घर में ट्रैक्टर दिख जाएंगे। और वापसी में देखना काजू चीकू आएंगे तो बहुत सेंटी से हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बाय बाय करने का मौका नहीं मिला। उन्हें लगा था कि जल्दी से वो एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे उसके बाद हम निकलेंगे, लेकिन हम लोग जल्दी ही निकल गए। और ये शायद सरसों लगी हुई है, उसकी निराई कर रही हैं ये लोग, या फिर कुछ और, पर दूर से उतना दिख नहीं रहा था। और गाड़ी में अभी फ़िलहाल हम सिर्फ 2 लोग, मजनू होती थी तो ये चिक चिक होती थी, मैं बीच में बैठूंगी, मैं किनारे बैठूंगी, ऐसे ही मुझे ये लोग बीच में ही बिठाते थे, साइड साइड में यही दोनों बैठते। ट्रैफिक नहीं मिला तो हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। गाइस आते ही लग गए हैं साफ सफाई में, क्योंकि 4 से 5 दिन घर बंद था तो बहुत गंदा हो गया था। और ये सारा झाड़ू, ये देखो ये लग गए हैं काजू से बात करने के लिए, क्योंकि काजू से हम लोग मिल ही नहीं पाए। काजू और चीकू से जब तक वो स्कूल से आए हम लोग निकल गए थे, क्योंकि उबर मॉर्निंग से ही कर रहे थे, मिल ही नहीं रही थी, बट तुरंत मिली और फिर हमें निकलना पड़ा। और ये सारा लगा रहे हैं झाड़ू।
आते ही मैंने साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी। कुछ कपड़े थे, बेडशीट थी, उन्हें मैंने मशीन में लगा दिया है धुलने के लिए, और मैंने पूरा घर ही धुल दिया था क्योंकि 4 से 5 दिन घर बंद था, तो अगर झाड़ू पोछा करो ना तो तब भी खिसखिसी रह जाती है, तो इसलिए मैंने पूरा घर धुल ही दिया था झाड़ू लगाने के बाद। और मुझे पता था कि ये सब आके करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आज मैं नहा के भी निकली थी। मैंने सोचा अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता है, पहुंच जाएंगे, आराम से साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद नहाएंगे। तो ये सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में, और हमारी बुआ लेके आई थी ढेर सारी बथुआ। और अभी जैसे खेतों में छोटा छोटा सा बथुआ होने लगा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, पर वो तब भी इतना ढूंढ ढूंढ के उसको बीन बीन के लेके आई थी, तो बनेगा वो 2 से 3 बार। तो अभी इसको अच्छे से साफ़ कर लिए और इसे बनाने वाली हूँ मैं साबुत उड़द की दाल के साथ। तो ये दाल मैंने निकाल ली है, इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। हमारे खेतों की उड़द की दाल है, वैसे इसमें क्या है मिट्टी के कुछ कुछ होते हैं कण से, बाकी तो ये साफ़ ही होती है। फिर मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया और इसे हम कैसे बनाएंगे आप लोग को दिखाते हैं। बथुए की दाल बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और काफ़ी टेस्टी बनती है ये। और बथुए के स्टेम्स जो है अभी बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो अभी इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, धुल लिया है, और इसको काटेंगे नहीं, मैंने इसे काटा नहीं। कुकर में मैंने साबुत उड़द की दाल डाली और उसके बाद ये बथुआ डाल दिया। फिर डालेंगे पानी जितना हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि बथुए से भी थोड़ा बहुत पानी निकलता ही है, तो कम पानी डालेंगे। और डालेंगे नमक, फिर इसे कुकर में बंद करके 2 सीटी लगाएंगे। जब तक दाल पक रही है हम तड़का तैयार कर लेते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सा लहसुन, हरी मिर्च और हींग का तड़का लगता है। दाल को मैंने हाफ कुक करके ही ओपन कर दिया था कुकर, और देखिए दाल हमारी हाफ कुक्ड है, अभी फुल कुक नहीं हुई है। सबके बनाने का तरीका अलग है, पर मैं इसे दूसरे तरीके से बना रही हूँ। तो देखिए अभी दाल आपको साबुत से थोड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये लगभग पक चुकी है। मेरे पास है मैशर, तो इसे अच्छे से मैं मैश कर दूँगी, क्योंकि वैसे दाल जैसे अलग अलग सी दिखती रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, एकदम मलाई सी बन जाती है ऐसे मैश करने के बाद। और घी का तड़का लगाएंगे, इसमें घी का तड़का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि घी के तड़के से ये बथुए की दाल में 4 चांद लग जाता है, बहुत ही टेस्टी सी लगती है और एकदम खुशबूदार सी दाल बनती है। तो ये मैंने लगा दिया है लहसुन, मिर्च और हींग का तड़का। इसके बाद दाल हमारी बनके तैयार हो गई है, लग रही है ना काफ़ी टेस्टी सी, वैसे बहुत टेस्टी थी। दाल बनने के बाद मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया और मैंने चावल रख दिया है बनने के लिए। कह दो पुक्स को इतनी तेज़ भूख लगी कि जैसे सीटी आई बोल रहा है धीमा करूं जाके, दूसरी सीटी आए तब चावल बने, तब खाएंगे दाल चावल। बथुए की दाल और चावल बना है, बथुए की दाल बथुआ इतना आ गया है कि ये अब है कि बोल रहे हैं 2-3 दिन सिर्फ बथुआ बनेगा, बथुए का साग, बथुए के पराठे, बथुए की दाल, बस बथुआ बथुआ बथुआ। और ये बथुआ 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 खाके तुम्हें कैसा लगेगा, बथुए के नाम सुन के इनका हो जाता है मूड खराब, क्योंकि इन्हें पसंद है अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मजनू की बनाई हुई स्पेशल मसूर की दाल, छिलके वाली, बिना छिलके वाली, जो भी है। लेकिन अभी इन्हें 3 दिन बथुआ खाना पड़ेगा, अब देखो क्या होता है। इसके साथ ही आज के व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।